सुना है कहीं एक जन्नत है जहां दूध की नदियां बहती हैं, पेड़ों पर परियां रहती हैं। वहां कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, खुशी पे कोई पहरा नहीं है, हंसी पे कोई शर्त नहीं है। बिन बाती उजाला है, बिन बादल बरसाते हैं। वहां रातों से मीठे दिन हैं और दिन से रोशन रातें हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, और सुनी सुनाई बातों का क्या भरोसा। ये दुनिया है, कुछ भी कहती है। आसमानों में जन्नत क्या ढूंढना मेरे दोस्त, अपने घर के बगल वाले कमरे में झांक लो जहां अम्मा रहती है। तुमने बड़ा घर ले लिया और माँ को एक अलग कमरा भी दे दिया। तुम ये सोच कर खुश हो कि जहां लोग माओ को बरामदे में रखते हैं, तुमने उन्हें कमरे में रखा है। अच्छे बेटे हो तुम, बहुत अच्छे बेटे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन ये बताओ, उस कमरे में तुम कितनी बार जाते हो, कितना वक्त माँ के साथ बिताते हो? आखिरी बार उसके साथ टीवी कब देखा था? उसे वो बेकार के चुटकुले कब सुनाए थे, और बिना सिर पैर की बातों पर उसके साथ ठहाके कब लगाए थे? कमरा देने से उसका हिसाब कैसे बराबर होगा, जिसका कर्जदार है तुम्हारे खून का एक एक कतरा, तुम्हारे वजूद का एक एक रेशा। 9 महीने जिसने तुम्हें अपने पेट में रखा, 3 साल हथेली पर, और जिंदगी भर अपने दिल में। उसे कमरे में नहीं, अपनी पलकों पे रखना, तभी जाकर कहीं तुम्हारा फर्ज पूरा होगा। इतर कोई तो था जो माँ के होठों से झलकता था, वो माथा चूम लेती थी, बदन पूरा महकता था। आज माँ स्पेशल इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई माँ की तरह नहीं है। सोने के लिए उसकी गोद और रोने के लिए उसका कंधा, इससे बेहतरीन कोई जगह नहीं है। माँ वो दौलत है जो हमने बिना मांगे पाई है, वो बरकत है जो बिन बुलाए आई है। आज माँ स्पेशल इसलिए क्योंकि एक तरफ ये पूरी दुनिया है, एक तरफ माँ है। ऐसा लगता है जैसे जैसे हम अपनी माँ के बगैर बिल्कुल अकेले हैं। चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हम उम्र की किसी भी स्टेज पर हों, माँ के बगैर हम अधूरे हैं, अकेले हैं। कुछ अजीब है मेरी माँ, रंग बदलने में माहिर है। मैं उदास नजर आऊं तो दोस्तों जैसी हमदर्द बन जाती है, कोई गलती करूं तो पापा की तरह सख्त, और घबराऊं तो बड़े भाई और बहन की तरह सरपरस्त। ये कैसा जादू है जो बाकी लोग नहीं कर पाते। माँ अकेली ही हर रिश्ते की जगह भर देती। माँ चली गई कहीं बादलों के पार, उसका कमरा खाली हो गया। कितनी भी कुरान खानियां कर लें, कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी पढ़ कर बख्शें, सब्र नहीं आता। क्या मांगूं अब अपने लिए दुआएं, कैसे मांगूं कि मेरी आवाज़ को आसमान तक जाने की आदत ही नहीं पड़ी। जब तक माँ थी कभी अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आँखें तो हम सब के पास हैं, माँ के पास दूरबीन होती है। घर में कुछ खो जाए तो वो सिर्फ माँ को मिलता है, लेकिन माँ अगर कुछ छुपा कर रख दे तो उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। मैंने कोशिश की, घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन मुझे वो दुख नहीं मिले जो मेरी माँ ने हम सब से छुपा के कहीं रख दिए थे। वो दर्द नहीं मिले जो किसी देखाने में दबा कर रख दिए थे। एक एक अलमारी झांक ली, कहीं वो सपने नहीं मिले जो हमें जोड़ने में टूट गए। बिस्तर की एक एक तह खोल दी, पर वो आंसू नहीं मिले जो तकिए के किसी गिलाफ में गिर के सूख गए। ये लुका छिपी ठीक है माँ, जो छुपा दिया वो छुपा दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब जब तू छुप गई तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगी? मेरे पास तो सिर्फ आंखें हैं माँ, तेरे जैसी दूरबीन कहाँ से लाऊंगी? Yeah.
Yeah.